नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और हर जगह फास्टिंग रखी जा रही है। अब ऑलमोस्ट फास्टिंग के दिन ख़त्म होने को आ रहे हैं, तो मैंने जो आपको पहले प्रीमिक्स बनाना बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, मैं यहाँ पे आज आपको तीन रेसिपीज़ बनाना बता रही हूँ। पहले मैंने पकौड़ा चाट बनाई है, दूसरा मैंने उत्तपम बनाया है और तीसरे मैंने आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनाए हैं इसी प्रीमिक्स को यूज़ करते हुए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रीमिक्स की पूरी रेसिपी और साथ में मैंने इसके बनाए हुए अप्पे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको हमारी व्रत की थाली की रेसिपीज चाहिए तो आप मेरे लिंक में, मैं आपको यहाँ पे व्रत की थाली का लिंक डाल दूंगी, आप उसमें जाके चेकआउट कर लीजिए, और नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके व्रत की रेसिपीज में से भी सारी रेसिपीज को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेसिपीज। यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रीमिक्स लिया है एक बड़ा चम्मच, और उसके अंदर मैंने एक बड़ा चम्मच ही दही का डाला है, और मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक मैं यहाँ पे व्रत वाला सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, और साथ में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतनी क्वांटिटी में प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और हम पानी को एक साथ ना डालकर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे हमें उसकी कंसिस्टेंसी को सेट करने में दिक्कत ना है। अगर आप एक साथ पानी डाल देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और जिससे हमारा बैटर पतला हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर दिया है, थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल के रखूंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये बाद में प्रीमिक्स फूलता है, क्योंकि इसमें साबूदाना, चावल का आटा और कूटू का आटा मिक्स है। तीनों ही चीज़ रेस्ट करने पर फूलती हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसे हम पतला रखेंगे और इसे रेस्ट देंगे। देखिए, रेस्ट करने के बाद आप देखिए कि कितना दोबारा थिक हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देखिए कि पहले कैसी थी, और जब हमने इसे 15 मिनट के रेस्ट पर छोड़ा था तो इसकी कैसी हो गई थी। इसी बैटर से अब हम दो चीज़ें बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ हाफ बैटर कर लिया है, 2 स्पून हमने अलग निकाल दिया है और अराउंड 2 स्पून हमने उसी बोल में रहने दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी करेंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको थोड़ा सा और पतला करके साइड में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा और फूल जाए और सेट हो जाए। इस बैटर से हम बनाएंगे यहाँ पे आलू के पकौड़े। हम इसे दोबारा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम दूसरा बैटर यूज कर लेंगे। हम ये भी कुछ ज़्यादा अभी थिक है, तो हम इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे अकॉर्डिंग टू उत्तपम। उत्तपम बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता है, थोड़ा सा थिक पेस्ट से बनता है, तो हम इसका, जैसे हम उत्तपम का पेस्ट लेते हैं ऐसे ही हम इसका पेस्ट लेंगे। अब हम इसका उत्तपम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक तवे को गर्म कर लिया है, जिसमें हमने एक बड़ी चम्मच देसी घी का यूज़ किया है, और साथ में उसमें हमने डाले हैं सफ़ेद तिल। अब हमने जीरे में यहाँ पर उत्तपम डाला है, और हम उत्तपम को थोड़ा सा मोटा ही फैलाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तपम थोड़ा सा मोटा होता है, ये प्रॉपर चीले की तरह पतला नहीं होता। तो हम यहाँ पर उत्तपम को थोड़ा सा मोटे बेस में फैलाएंगे, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे गार्निश करा है यहाँ पर घिया, जिसको हमने कद्दूकस करके, जिसका एक्स्ट्रा पानी हमने निचोड़ लिया था, और हमने इसको यहाँ पे अच्छे से फैला दिया है। आप जो भी वेजिटेबल चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बॉइल्ड आलू भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर जो भी आपको वेजिटेबल आप व्रत में यूज़ करते हैं आप यहाँ पर इसको यूज़ कर ले। कई लोग व्रत में टमाटर भी खाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर यूज़ कर सकते हैं। मैं व्रत में टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घिया और हरा धनिया बारीक चॉप करके यहाँ पर डाला है, और इसको हमने थोड़ा सा प्रेस करके दबा दिया है। हमारा एक तरफ से थोड़ा सा सिकने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे और दोनों तरफ से दबाकर अच्छे से इसको पका लेंगे। जो साबूदाना होता है और समाका चावल का आटा होता है, ये दोनों ही कूटू से हल्के होते हैं, तो जब ये बनकर तैयार होगा तो ये आपको बहुत हैवी नहीं लगेगा, खाने में लाइट होगा और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और कूटू खाने के बाद अक्सर हमें बहुत प्यास लगती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है, लेकिन जब आप इस प्रीमिक्स को यूज़ करेंगे तो इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, और बहुत ही अच्छे से ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है कंपैरिजन टू कूटू के आटे के।
अगर आपकी गैस ज़्यादा तेज़ है तो आप उसे बीच में स्लो कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल सिम गैस पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से पका लीजिए। ये जो उत्पम होता है ऊपर से क्रिस्प होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे से दबाकर इसको सेक रही हूँ। मेरा उत्पम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो हमने थोड़ा सा पतला घोल घोला था वो हमारा सेट हो गया है, और मैंने यहाँ पर बहुत पतली स्लाइस आलू की कट कर ली है। अब मैं इसके डिप करके इसमें पकौड़े तैयार कर लूँगी। जैसे हम कूटू के आटे के पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर इस प्रीमिक्स की पकौड़ी तैयार कर लेंगे। इस प्रीमिक्स की पकौड़ी से क्या होता है, जो इसका क्रिस्पनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू कूटू का आटा। कूटू के आटे के बाद में सौगी हो जाते हैं। अगर आप इन्हें बनाकर रख भी देंगे तो ये क्रिस्प ही रहेंगे, क्योंकि समा का चावल जो होता है वो इसको क्रिस्प बनाए रखता है काफ़ी देर तक। और ये थोड़ा पतला घोल था तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं और इसमें ऑयल भी सोख नहीं होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कूटू के आटे की जो पकौड़ियाँ होती हैं अगर हम उसके बैटर को पतला कर देते हैं तो उसमें ऑयल भर जाता है, लेकिन इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं भरेगा क्योंकि जो समा का चावल है वो इसमें ऑयल बिल्कुल भी भरने नहीं देगा। हमारी कूटू की पकौड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम तैयार करते हैं तीसरी रेसिपी। हमने यहाँ पे दोबारा एक बड़ा चम्मच प्रीमिक्स का लिया है और जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम अगेन इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि जब हम इसे रेस्ट देंगे तो अगेन ये थिक हो जाएगा। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा नमक। नमक अगेन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं व्रत वाला नमक यूज़ कर रही हूँ इसमें, तो आप भी वही नमक यूज़ करें। देखिए मैंने इसे 15 मिनट रेस्ट पर दिया था और हमारा बैटर अच्छे से फूलकर थोड़ा सा थिक हो गया है, पर मुझे इतना थिक नहीं चाहिए तो मैं अगेन इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला करूँगी। अब मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च बारीक चॉप कर और हरा धनिया। हरा धनिया और हरी मिर्च हमारे किसी भी डिश में एक अलग से फ्लेवर लेकर आते हैं और इंडियन डिशेस में तो वैसे भी हरा धनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो मेरी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर कर लूँगी। मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ घिया और आलू की पकौड़ियाँ, जिनसे मैं पकौड़ी चाट बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आलू को बहुत ही बारीक चॉप करा है, आप चाहें तो यहाँ पे बॉइल्ड आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच डाला है घिया, जो मैंने कद्दूकस करके अच्छे से निचोड़ लिया था। अब मैं इसके छोटे छोटे पकौड़े इस तरीके से बना लूँगी जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं, या फिर आप ये कह दें कि आप दही बल्ले बनाते हैं, उस तरीके से आप इनकी पकौड़ियाँ उतार लीजिए। हम इन्हें बिल्कुल क्रिस्प होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा घिया है और जो आलू है वो अच्छे से पक जाए। हम इन्हें अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। अगेन इसमें समा का चावल ऐड है तो ये बहुत ही क्रिस्प बनेंगी, बहुत ही कुरकुरी और करारी सी बनेंगी। ये दही बल्ले की तरह सौगी नहीं होंगी, इसमें क्रंच रहेगा लास्ट तक। हमारी सारी पकौड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक अलग प्लेट में रख लेंगे। आप देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया है और ये बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, क्योंकि जो समा का चावल है साबूदाना है वो इनमें ऑयल भरने नहीं देता। अब हमने यहाँ पे लिया है, हम चाट को असेंबल करने के लिए अब हमने यहाँ पे थिक कर्ड लिया है। मैं दही को आप थोड़ा सा गाढ़ा ही लें ताकि वो खाने में भी अच्छा लगता है और उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। पतला दही ना तो खाने में अच्छा लगता है और ना ही वो अच्छे से कोट होता है। आपको अगर मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे शुगर डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी इसमें, पर मैंने यहाँ पे शुगर का यूज़ नहीं किया है, मैंने बिल्कुल प्लेन दही लिया है। इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे भुना हुआ जीरा। जीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके बारीक पीस लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी काली मिर्च पाउडर। अब मैं मिठास के लिए यहाँ पे हनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने पहले ही दही में मीठा यूज़ कर लिया है तो आप हनी को यूज़ ना करें, पर इसमें हनी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के हनी यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे व्रत वाली हरी चटनी, जिसको मैंने सेंधे नमक और हरी मिर्च के साथ धनिया और पुदीने के साथ पीसा था, मैं यहाँ पे वो ऐड कर रही हूँ। और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे हरा धनिया और फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे
ग्रेप्स थे तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और आपके आपके पास जो भी फ्रूट हो, एप्पल हो, बनाना हो या पियर हो, कोई भी फ्रूट हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अनार के दानों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रेप्स का यूज़ किया है और हमारी क्रिस्पी पकौड़ा दही चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये अपने आप में ही कंप्लीट फुलफिल मील है। आप उत्पम बनाइए, पकौड़ा चाट बनाइए और या फिर पकौड़ी बनाइए। प्रीमिक्स से बहुत ही ईजी हो जाता है, एक बार बना के रख लीजिए। और अगर आप पूरे 9 दिन की फास्टिंग रखते हैं तो आपको बार बार बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस लीजिए, बनाइए और अपना फास्ट खोल लीजिए। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आपको तिल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं।